सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित HSSC में। IGU मीरपुर के जो भी एग्जाम होने हैं UGPG के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के, तो उन सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, रोल नंबर उनके जारी कर दिए गए हैं। कैसे आपको अपनी रोल नंबर जो है निकालने हैं ऑनलाइन, कैसे आप अपनी रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी गूगल ब्राउजर पर आ जाना है, क्रोम ब्राउजर पर, जो भी आपके मोबाइल में ब्राउजर अवेलेबल हो उस पर आपको आ जाना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको सर्च करना है IGU कैन अप्लाई, आपको सिंपली सर्च करना है। उसके बाद हम सर्च कर देंगे गो के बाद आपके पास जो भी फर्स्ट ऑप्शन आए, आप यहां पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी 1. यू कैन अप्लाई, ये सर्च कर सकते हैं, या फिर IGU स्टूडेंट लॉगिन आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो हम सिंपली इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की इस फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आप अपना रोल नंबर है वो निकाल सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड है वो आप निकाल सकते हैं। किस किस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, आपको अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर यानी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट पर हम इस पर जो है क्लिक कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट का है, इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपने जो भी है नया वेब पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको यहां पर देखने को मिल रहा है स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड आपके यूनिवर्सिटी रोल नंबर है जिनको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, वो आपके यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट लॉगिन में आपको डालना है। यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड सिंपली आपके यूनिवर्सिटी रोल नंबर होने वाले है। तो चलिए मैं इनमें डाल देता हूं अपने जो भी यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड है वो सब। सो आप देख सकते हैं मैंने यूजर नेम और पासवर्ड ही दोनों मैन्युअली फिल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली हमें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे पास फिर से एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब जो भी आपके पास ये वेब पेज ओपन हुआ है, इसको सिंपली आपको खोलने के लिए यहाँ पर सिंपली 3 डॉट्स मिल जाएंगे, या फिर और कोई जो भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर निशान मिल जाएगा, हम सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स पर इस पर क्लिक कर देते हैं, जो हमारे 3 डॉट्स हैं उन पर। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट करके ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप ये जो है इस जो स्टेप को आप छोड़ भी सकते हैं, जो डेस्कटॉप साइट का स्टेप है इसको आप डायरेक्ट छोड़ भी सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट छोड़ देंगे तो उसके बाद भी आपके पास वही खुलेगा जो मैं खोलने वाला हूं। इसके बाद सिंपली आपको यहां पर फर्स्ट आपको रिवॉल्व मिलेगा और जो भी आपका फोर्थ ऑप्शन है एडमिट कार्ड का, वो आपको सिंपली यहां पर दिख जाएगा। आप सिंपली यहां से अपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। यूजी और पीजी बोथ स्टूडेंट इसके जो है इस प्रक्रिया से अपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली हमने एडमिट कार्ड पर एक बार क्लिक कर देंगे। एडमिट कार्ड पर जैसे हम क्लिक करेंगे, आपके जो भी एग्जाम होने हैं IGU में या फिर उससे जुड़े हुए किसी भी कॉलेज में आपके जो एग्जाम होने हैं, वो सिंपली आप यहां से जो है अपने जो है एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड के एग्जाम है इसके रीअपेयर के, तो वो आप यहां से प्रिंट डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहां पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आपका मिल जाएगा आपको फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का। हम सिंपली प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक और वेब पेज में जो न्यू टैब में है उसमें हमारा एडमिट कार्ड है ओपन हो जाएगा। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, आप यहां पे सिंपली देख सकते हैं ये आपका एडमिट कार्ड है। यहां से आपका नाम दिया गया है, आपका कॉलेज का नाम दिया गया है, आपका कौन सा एग्जाम है वो दिया गया है। तो ये बात हो गई। अब कुछ एक स्टूडेंट्स के नहीं निकलेंगे तो मैं बता दूं, इस प्रकार से आप जो भी है एडमिट कार्ड ओनली रीअपेयर के स्टूडेंट ही निकाल पाएंगे। रीअपेयर के स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड ही ऐसे निकलेंगे जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाई है। बाकी जो रेगुलर के स्टूडेंट है या फिर जो न्यू स्टूडेंट है उनके एडमिट कार्ड, उनकी रोल नंबर स्लिप उनको कॉलेज में प्रोवाइड हो जाएगी। अब कॉलेज आपको कब देता है, कॉलेज में आपके एडमिट कार्ड पहुंच चुके हैं शायद 1 या 2 दिन में कॉलेज आपके जो है आपको ऑफलाइन बुला के कॉलेज में और आपको दे देगा। तो सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आ गए हैं ओल्ड सेमेस्टर के, आप भी इस प्रक्रिया से अपने जो एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना एक वैल्यूएबल कमेंट और एक लाइक करके जरूर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।